हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट रहता है रेडियोग्राफी फर्स्ट। इसमें अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्कल में कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स, जिसमें 14 फेशियल बोन्स होती है और 8 क्रेनियम बोन्स होती है। अपन ने स्कल के 4 प्लेन पढ़े थे, ऑर्बिटोमेटल लाइन, मिड स्ट्राइटल प्लेन, इंट्रा प्यूपिलरी लाइन और एंथोपोलॉजिकल बेस लाइन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था स्कल का लेटरल व्यू। स्कल का लेटरल व्यू में इंडिकेशन क्या थी? ट्रोमा एंड पैथोलॉजीज कंडीशन, कोई भी फ्रैक्चर हो गया है, ट्रोमा है, कोई पैथोलॉजी कंडीशन है उसके लिए। पेशेंट की पोजिशन क्या थी? सबसे पहले पेशेंट को प्रोन लेटाते हैं, उसके बाद स्कल को आइदर साइड रोटेट करते हैं, जो साइड अपनी अफेक्टेड है वो साइड कैसेट के टच में रहती है। फिर मिडल सर्वाइटल प्लेन क्या रहता है? पैरेलल रहता है। और इंट्रा ऑर्बिटल लाइन यानी इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। इसमें अपने कैसेट की पोजीशन क्या थी? 1 इंच अबव द वर्टेक्स ऑफ स्कल। उसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। तो सेंटरिंग क्या थी अपने पिछले लेटरल व्यू में? 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपन ने क्या देखा था? ऑक्सीपिटल बोन दिखाई दे रही थी, टेम्पोरल बोन का पेक्टोरस पोर्शन दिखाई दे रहा था और सेलेटर्सिका दिखाई दे रही थी। इस बार अपने पढ़ रहे हैं लेटरल व्यू, जो होता है स्पेशली ट्रोमा केस के लिए, जिसमें अपन ने क्या करते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट आया, उसके कोई भी ट्रोमा है तो अपने उसके हेड को क्या है, हिला नहीं सकते हैं, स्कल को रोटेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका यह व्यू किया जाता है। इस व्यू का दूसरा नाम भी है ट्रांसलेटरल व्यू। सबसे पहले अपने इस व्यू का इंडिकेशन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्कल ट्रोमा, यानी कोई भी स्कल ट्रोमा है, कोई एक्सीडेंटल केस है, उसके लिए अपना ये व्यू सजेस्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं अपने कैसेट साइज। स्कल की व्यू में कितनी कैसेट साइज होता है? 8, 10 और 10, 12। फिर बात करते हैं अपने पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए? इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पेशेंट ट्रोमा में है, एक्सीडेंटल केस से है, उसके सर को अपने बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सिटेबल इन ट्रू एपी पोजीशन। पेशेंट क्या है, एक्सिटेबल पर इन एपी पोजीशन में लेटा हुआ होगा, एक्सिटेबल पे या ट्रॉली पे, जिस पे भी पेशेंट आता है। फिर पेशेंट के अपन चेक करते हैं, पेशेंट ऑर्बिटोमेटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की जो ऑर्बिटोमेटल लाइन है वो क्या होती है, टेबल के परपेंडिकुलर होती है। और पेशेंट ईयर पिना इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना क्या है, टेबल से इक्वल डिस्टेंस में रहती है। उसके बाद पेशेंट मिडिल सर्जाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडिल सर्जाइटल प्लेन कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। फिर अपने बात करते हैं पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की जो इंट्रा प्यूपिलरी लाइन है यानी इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है वो कैसे रहेगी, टेबल के पैरेलल रहती है। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की क्या पोजीशन होनी चाहिए? तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स। कैसेट का अपर बॉर्डर कहाँ रहना चाहिए, वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर रहना चाहिए। इसमें अपने कौन सा व्यू करना है, लेटरल व्यू करना है, बल्कि पेशेंट इसमें क्या है, एपी व्यू में लेटा हुआ है। तो अपने कैसेट कहाँ लगाते हैं, द कैसेट इज प्लेस्ड लेटरल साइड ऑफ द स्कल। स्कल के लेटरल साइड में कैसेट को अपने रखते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंट्रल रे ओवर द 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट टू द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस। सेंट्रल रे कहां पे होनी चाहिए, 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट, 1 इंच ऊपर और 1 इंच आगे की तरफ, कहां से, जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस है वहां से, विद हॉरिजेंटल बीम। अपने हॉरिजेंटल बीम यूज करें क्योंकि कैसेट कहां लगी हुई है, स्कल के लेटरल साइड में।
उसके बाद अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी अपना एक्सपोज हो गया उसके बाद अपने को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में यानी फिल्म पे क्या क्या दिखाई देता है। द ऑक्सीपिटल बोन इज क्लियरली सीन, ऑक्सीपिटल बोन क्लियरली सीन हो जाती है एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सबसे अलग और क्लियर दिखाई देती है। फोरामेन मैग्नम इज क्लियरली विजिबल, फोरामेन मैग्नम क्या अपने को क्लियरली विजिबल हो जाता है विद पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पोर्शन वो भी सीन होता है ऑन आइदर साइड ऑफ इट। फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में अपने को पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन भी क्लियरली सीन हो जाता है। सेल्ला ट्रसिका इज आल्सो विजिबल, सेल्ला ट्रसिका वो भी अपने को क्या है कंप्लीटली दिखाई देती है। अब बात करते हैं एक्सपोजर की, एक्सपोजर क्या रहेगा अपना, डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी अपने रखते हैं 60 से 80, एमएएच इसमें देंगे अपने 80 और ग्रिड का यूज करेंगे तो ग्रिड यस। देखो ये व्यू अपना कंप्लीट हो गया है, अब एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। स्कल के कोई भी ट्रॉमा केस के लिए लेटरल व्यू आता है तो अपने कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसकी इंडिकेशन क्या होगी इन ट्रोमा केस, उसके बाद में अपने देखते हैं इसकी पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। पेशेंट एपीयू में ट्रॉली पे या टेबल पे लेटा हुआ होता है, एक्सीडेंटल केस में होता है तो उसके स्कल को अपने बिल्कुल भी हिलाते नहीं है, और उसका फिर अपने मिडल सेटल प्लेन चेक करते हैं, टेबल के परपेंडिकुलर होता है और इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल के पैरेलल होती है, और पेशेंट की जो ईयर पिन है वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहती है। फिर अपने लगाते हैं कैसेट की पोजीशन, कैसेट कहाँ पे रहनी चाहिए स्कल के लेटरल साइड में, क्योंकि अपने स्कल हिलाना नहीं है, पेशेंट एपी पोजीशन में लेटा हुआ है और अपने व्यू कौन सा करना है लेटरल व्यू, तो अपने कैसेट रखते हैं स्कल के लेटरल पार्ट में, और एक्स कहाँ पे रखते हैं कैसेट वर्टेक्स से 1 इंच अबव। उसके बाद अपने देखते हैं सेंटरिंग, सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले पार्ट में सेंटरिंग की थी लेटरल व्यू में 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स, वैसे ही इस लेटरल व्यू में अपने सेंटरिंग करते हैं 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट टू द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स विद हॉरिजेंटल बीम। अपने हॉरिजेंटल बीम का यूज करते हैं क्योंकि कैसेट लगी हुई है स्कल के लेटरल पार्ट में। फिर अपने वो फिल्म तैयार होकर दिखाई देती है, वो दिखाई देती है अपने ऑक्सीपिटल प्रोटोबोन्स क्लियरली सीन हो जाता है, फोरामेन मैग्नम दिखाई देता है विद पेक्टोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, सेल्ला ट्रसिका का भी अपने को विजिबल हो जाती है।